ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले गाइस हम ये वाला बैकग्राउंड रेड करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, एंड इसके बाद चलेंगे गाइस हम अपनी ऐड फोटो के अंदर। एंड ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस हमको ऐड करना है अपने मॉडल का पीएनजी ये वाला, ठीक है। सो गाइस ये मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अगर आपको नहीं पता फोटो का बैकग्राउंड कैसे इरेज करता तो मैंने उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, एंड वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये मॉडल का पीएनजी लगाने के बाद सिंपली यहाँ से डन कर देना। सो अगर आप पोज इस तरह का देना चाहते हो गाइस दे सकते हो, बाकी मैं आपको, अगर आपको हैट का पीएनजी चाहिए तो मैं है ये जो मैंने अपने हाथ में हैट ले रखी है इसका पीएनजी मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पर जाके इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, तो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर मॉडल लगाने के बाद हमें सिंपली चलना है गाइस ऐड फोटो के अंदर, एंड अब मैं ऐड करूंगा गाइस इसके अंदर बटरफ्लाई एंड ईयर बटरफ्लाई का पीएनजी, एंड मैं सिंपली इसको अपने हेड के पास से लेके जाऊंगा ताकि गाइस ऐसा कॉन्सेप्ट बने मेरे हेड के अंदर से निकल लिया एंड मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ एंड फिर यहाँ से डन कर देना है। ओके गाइस, सो अब इसको ग्लो करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, ऐड फोटो पे चलना है, एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस आपको ये वाला पीएनजी लेना है, एंड इस पीएनजी को आपको सिंपली अपने बटरफ्लाई के ऊपर ऐसे लगा देना। सो अब ब्लेंडिंग पे जाके कर देंगे इसको स्क्रीन ऐसे, इसका साइज हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, परफेक्ट है, एंड फिर आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। ओके गाइस, सो आपको गाइस दिख रहा होगा जैसे हमारे यहाँ पे लाइटिंग है तो हमारे यहाँ फेस तक आनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे गाइस हम एक दूसरा पीएनजी ऐड करेंगे लाइट पीएनजी। तो सिंपली से मैंने गाइस ये वाला पीएनजी बनाया है एंड इसका साइज फुल करके ब्लेंडिंग पे जाके कर दूंगा इसको स्क्रीन, ठीक है। देखिए मेरे, अब मेरे इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे गॉगल्स के पास कुछ इस तरीके से पड़ रही है, इससे हमारी फोटो में एक रियलिस्टिक लुक क्रिएट हो रहा है। सो अब हम यहाँ से कर देते हैं डन। सो अब गाइस हम चारों तरफ अपने बटरफ्लाई लगाएंगे, सो चलते हैं ऐड फोटो पे, दोबारा लेऊंगा बटरफ्लाई का पीएनजी। सो सबसे पहले गाइस मैं इस बटरफ्लाई को लगाऊंगा इस जगह पे, तो मैं सबसे पहले इसको ऐसा कर लेता हूँ रोटेट एंड एक इधर ऐसे छोटा सा हल्का सा बिठा देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। एंड इसका यहाँ सिंपली एक डुप्लीकेट करूंगा एंड एक इधर उड़ते हुए लगा दूंगा, मतलब चारों तरफ ऐसे लगना चाहिए हमारी जो बटरफ्लाई है ग्लोइंग होके उड़ रही है। तो एक हमने यहाँ पे लगा दिया, एक डुप्लीकेट करूंगा एंड एक इस वाले एरिया पे लगा दूंगा नीचे। तो सिंपली से गाइस मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, ओबे हो जा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, एकदम परफेक्ट है। एंड एक को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड एक इसको कहाँ पे लगा, इसको यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। एंड ये हमारे चारों तरफ बटरफ्लाई लग चुकी है। सो अब हम यहाँ से करते हैं डन। सो गाइस अभी आपको दिख रहा होगा जो भी बटरफ्लाई है नॉर्मल सी है, बट हमें इसके अंदर भी ग्लो इफेक्ट देना है, तो इसके लिए हम सेम स्टेप करेंगे, ऐड फोटो पे चलते हैं एंड ये वाला पीएनजी लेंगे, एंड इसको ले जाने के बाद हमें करना है यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन, ठीक है, परफेक्ट है। एंड फिर ऐसे ही डुप्लीकेट करूँगा मैं इसका, सो गाइस हम चलेंगे ऐड फोटो के अंदर। एंड ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस एक मैं पार्टिकल्स के पीएनजी लूंगा लाइट्स के, कुछ इस तरह के ओवरले हैं, तो इसको भी ब्लेंडिंग में जाके करना है स्क्रीन एंड इसको मैं सिंपली इस जगह पे ऐसे लगा दूंगा, परफेक्ट है। एंड फिर आपको सिंपली यहाँ से कर देना है डन। ओके गाइस, सो हम चलेंगे दोबारा ऐड फोटो के अंदर, अभी काफ़ी ज़्यादा हमें पीएनजी लगाने, ठीक है। सो अब मैं लेऊंगा गाइस ये वाला पीएनजी एंड इसका साइज फुल कर देना हमको, एंड सिंपली आपको ब्लेंडिंग में जाके इसको भी स्क्रीन कर देना है, तो आपकी चारों तरफ ये फोटो में जो पार्टिकल्स उड़ने लग जाएंगे एंड जो आपके फेस पे एरिया होगा गाइस आपको सिंपली ब्रश पे जाके इसको ऐसे इरेज कर लेना है, बहुत ईजी रहेगा ये आपके लिए, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे इरेज कर लेना एंड फिर आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। ओके, सो आप यहाँ पे हल्के हल्के हमने अपनी बॉडी पे थोड़ी सी लाइट क्रिएट करेंगे, सॉफ्ट लाइट, तो इसके लिए आपको पता है मैं बहुत ईजी स्टेप बताता हूँ आपको, ये वाला पीएनजी लो एंड ब्लेंडिंग में जाके करना स्क्रीन एंड इसको इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, एंड इसकी ओपेसिटी ऐसे कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से, परफेक्ट है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, ऐसे डुप्लीकेट करूँगा एंड एक इस एरिया पे लगा देना है एंड एक डुप्लीकेट करके एक इधर लगा दूंगा एंड एक छोटे से एक डुप्लीकेट करके यहाँ पे अपनी नेक के पास और लगा दूंगा, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। एंड फिर हमको सिंपली यहाँ डन कर देना है, तो इससे गाइस काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ओके गाइस, तो हमारा पिक्सआर्ट का A to Z जो है हमारा काम हो चुका है, अब मैं जस्ट सिंपली अपने फेस पे दूंगा ग्लोइंग इफेक्ट, उसके लिए चलूंगा मैं यहाँ पे टूल्स में, एजस्ट में, फोटो की ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है एंड इरेजर टूल पे जाके पूरा इरेज कर देना, फिर नॉर्मली आपको अपनी फोटो को जूम करना है धीरे धीरे एंड यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना, ओपेसिटी वगैरह कम कर देना ऐसे एंड जहाँ जहाँ फिर आप इधर ब्रश बड़ा हो गया देन फिर गाइस आपको जहाँ जहाँ नीट आपको सिंपली ऐसे ब्रश मारने, देखिए आपको साइन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं जल्दी से अपने पूरी बॉडी पे ये साइन इफेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ।
सो गाइस मैंने साइन इफेक्ट को मार लिया, मैं आज इसको माइनस कर सकता हूँ। मुझे कितना ब्राइटनेस चाहिए अपने फेस पे, तो मैं इसको नॉर्मली ले जाऊँगा, 20 तो ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको मैं ले जाऊँगा 15 ही परफेक्ट है, एंड डन कर देना है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, आपको कितना पसंद है ये चीज़। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने इसके अंदर अपने सारे PNG तो लगा लिए, लेकिन आपको गाइस दिख रहा होगा जैसे मैंने यहाँ पे गॉगल्स पहन रखे हैं, तो मैं बटरफ्लाई को देता हूँ, तो इसके रिफ्लेक्शन मेरे गॉगल से पड़नी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गॉगल्स का रिफ्लेक्शन क्रिएट करूँगा। तो बहुत सिंपल है गाइस, आपको चलना है सिंपली से ऐड फोटो के अंदर, एंड गाइस ऐड फोटो पर जाने के बाद सिंपली आपको लेना है बटरफ्लाई का PNG, एंड इसको मैं छोटा करूँगा ऐसे कुछ इस तरीके से, एंड हमें कुछ इस तरीके से परफेक्ट शेप में हमें गॉगल्स पे अपने लगा दूंगा ऐसे, एंड ओपेसिटी हल्के से कम करूंगा, फिर चलूंगा इरेजर टूल पे, जूम करूंगा एंड इसकी हार्डनेस बढ़ा लेता हूं, एंड हल्का ये भाई ब्रश मेरा पता नहीं क्यों क्यों बड़ा बार बार बड़ा हो जाता है। हल्का सा साइड में से आपको इस तरीके से ऐसे मारना है, आप परफेक्ट है। सो गाइस अब मैं यहाँ से डन करता हूँ। अब मुझे तो बनाना है गाइस दूसरे अपने गॉगल्स में, तो सिंपली दोबारा चलूंगा ऐड फोटो के अंदर, एंड दोबारा लेऊंगा इस PNG को मैं, एंड इसको भी इस तरीके से छोटा करूंगा, एंड ओपेसिटी कम करूंगा इसकी, परफेक्ट है। एंड सेम इरेजर टूल पे चलना है, एंड सेम वही स्टेप हमको यहाँ पे भी करना है। तो हमें यहाँ से हल्का हल्का नीचे से इरेज कर लेते हैं, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, हमारी गूगल्स पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है। सो गाइस अब हम हल्के से इसमें लाइट भी क्रिएट कर लेंगे, तो ऐड फोटो पे चलते हैं, इस वाले PNG को लेऊंगा, एंड इसको ब्लेंडिंग भी करना है स्क्रीन, एंड सिंपली से हल्का से कुछ इस तरीके से करके ओपेसिटी कम करके बिल्कुल परफेक्ट है, एंड सिंपली आपको फिर यहाँ से कर देना है डन। सो गाइस हमारी फोटो के अंदर A to Z PNG लग चुके हैं, जैसे गाइस आप देख सकते हो, एंड फोटो हमारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, लेकिन अभी हमारी फोटो और भी बेहतरीन लगेगी जब हम इसके अंदर करेंगे कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले गाइस को लेके चलता हूँ फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी लाइटरूम बाबा के अंदर, एंड वहाँ पे करेंगे हम इसके अंदर कलर ग्रेडिंग। सो गाइस ये हमारी फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपनी फोटो का जो है लाइटिंग मैनेज करूँगा, तो कॉन्ट्रास्ट को हल्का से इंक्रीज करना है, एंड शैडो को हल्का से इंक्रीज, एंड ब्लैक को ऐसे कम करना है, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा नाइट का हमारा सीन है इस फोटो के अंदर, तो हमें फोटो थोड़ी डार्क में रखनी है। सो गाइस हम चलना है यहाँ सिलेक्टेड टूल पे, एंड गाइस अगर आपको नहीं पता सिलेक्टेड टूल से लाइट रूम के एक प्रीमियम वर्जन में आते हैं यानी मॉडर्न वर्जन में, तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लाइट रूम का, वहाँ पर जाकर इजी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस ये लेटेस्ट वर्जन है, तो फिर गाइस हमको चलना है प्लस पे, एंड यहाँ सर्कल सेलेक्ट करूंगा। अब गाइस आपको दिख रहा होगा हमारे चारों तरफ तो लाइटिंग है, लेकिन हमारी बॉडी के बीच वाले एरिया पे इसका जो एक्सपोजर ऐसे कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ से एक्सपोजर ऐसे कम कर दूंगा साइज हल्का सा बड़ा करके, इससे हमारी फोटो में बिल्कुल परफेक्ट लाइट क्रिएट होगी, एंड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज, एंड आप बिल्कुल परफेक्ट एंड डन कर देना। ठीक है गाइस, तो हम दोबारा चलेंगे यहाँ पे, अब हम लेंगे यहाँ से गाइस ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट को हमें नीचे से इस तरीके से मारना है, एंड इसका भी एक्सपोजर ऐसे कम कर देना, ठीक है, एंड अब डन कर देना। मतलब हमारे ऊपर ऊपर लाइटिंग रहनी चाहिए, देखिए काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा लाइटिंग में, आपको देखो इतना से मैंने काम किया, लेकिन लाइटिंग देखो कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जो बटरफ्लाई अब काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है। ठीक है, तो अभी हमारे एक स्टेप है, अभी तो काफ़ी चीज़ करनी है। सो गाइस अब मैं चलूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ से ब्लू की जो सैचुरेशन बिल्कुल माइनस में कर दूंगा, जितने भी ब्लू है, ठीक है, ओके गाइस। सो हमारे इधर का काम हो चुका है, सो अब चलते हैं गाइस हम नीचे, फोटो में क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे हल्का सा, एंड विगनेट को हल्का सा कम कर लेंगे ऐसे, देखिए काफ़ी हमारी फोटो डार्क होने लगी। सो फिर हम चलते हैं गाइस नेचुरल टूल पे, फोटो में शार्पनेस बढ़ा देते ताकि हमारी फोटो बिल्कुल HD में हो जाए, एंड हल्का सा नॉइस रिड्यूसर बढ़ा देते, जितना भी नॉइस होएगा हमारा सारा खत्म हो जाएगा। तो मैं हल्का सा नॉइस रिड्यूसर बढ़ा लेता हूँ, एंड शार्पनेस कुछ ज़्यादा होगी थोड़ा कम कर देता हूँ, एंड ये बिल्कुल परफेक्ट है। सो अब हमारी इसके अंदर बारी आती है टोन देने के लिए, तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे, जो कि लाइटरूम में नया वर्जन में यहीं पे आता है कलर टोन देने का। तो गाइस अब आपको यहाँ पे 3 सर्कल दिख रहे होंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड अब हमको गाइस इसको लेके जाना थोड़ा सा यहाँ पे पर्पल टाइप में कुछ इस तरीके से नीचे, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड फिर गाइस हमको चलना है यहाँ पे, आपको मिलेगा मिड टोन्स का, लेकिन हम चलेंगे यहाँ हाईलाइट पे, देन हाईलाइट को हल्का सा आपको येलो टोन पे लेके जाना है, ताकि हमारा फेस हल्का सा येलो ग्लो करे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एंड फिर गाइस आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है। सो गाइस आपको दिख रहा होगा हमारी फोटो पूरी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है, तो अब हल्का सा यहाँ पे हम हल्का सा और फोटो को है जो है डार्क कर लेते, तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं ऐसे कुछ, शैडो को इंक्रीज, एंड हाईलाइट को हल्का सा इंक्रीज, परफेक्ट है। सो गाइस अब आपको दिख रहा होगा हमारी पूरी फोटो अच्छी तरीके से डार्क इफेक्ट में बिल्कुल एडिट हो चुकी है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिफोर एंड आफ्टर, पहले कुछ इस तरीके से फोटो के अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जैसे आपको दिख रहा हो कलर ग्रेडिंग में, लेकिन देखिए बाद में क्या मस्त लग रही है हमारी फोटो, गाइस आप देख ही सकते हैं। एंड ये देखिए गाइस मैं जूम करके दिख रहा हूँ, फोटो क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं हुई, बिल्कुल शार्प फोटो है ये, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस अब हम चलेंगे यहाँ पे शेयर पे, एंड एक्सपोर्ट पर, यहाँ पे आपको लार्ज में अपनी फोटो को सेव कर लेना है,
एंड फिर आपको राइट क्लिक करना है, आपकी फोटो आपके मोबाइल में बिल्कुल HD में सेव हो जाएगी एंड ये पूरी रेडी हो चुकी है इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। सो गाइज, आई होप आपको जो मेरे एडिटिंग का कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा। एंड गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला, मेरी वीडियो का लाइक जरूर कर देना। एंड गाइज, एक चीज़ और, जो भी है मैंने मॉडल का PNG अपना आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप भी मेरी फोटो के अंदर इस तरह की कुछ एडिटिंग ट्राई कर सको। ठीक है गाइज, तो गाइज चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, पीस, लव यू ऑल, एडिट्स आर्मी, बाय।